A-E-I-O-U vowels होते हैं और इनसे शुरू होने वाले शब्द से पहले N आएगा ही आएगा, यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। आपको साउंड पकड़ना चाहिए कि शब्द का साउंड क्या है। A-A-E-I-O-U, ये साउंड अगर आता है तब आप N का यूज कर सकते हैं आंख बंद करके। देखिए ट्रिक क्या है, यूनिवर्सिटी यू एक वाउल है बट यहां पर इसे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, तो आप यहां देख सकते हैं यू लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहां पर आप अ यूनिवर्सिटी इसे बोलेंगे। ऐसे ही ये भी यू है, एक वाउल है, लेकिन अम्ब्रेला तो यहां पर आ का साउंड आ रहा है इसलिए यहां पर बोलेंगे एन अम्ब्रेला। इसी तरह से इंक पॉट, ई का साउंड आ रहा है इसलिए आप बोलेंगे एन इंक पॉट। एमएलए, हालांकि ये वाउल नहीं है लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं एम, तो ए का साउंड आ रहा है इसलिए आप बोलेंगे एन एमएलए। ऐसे ही ऑनेस्ट, एच है बट यहां पर आप इसका साउंड निकालते हैं ऑनेस्ट, तो यहां पर भी एन का यूज करेंगे। इसी तरह से यूनियन, यू का साउंड आता है हम बोलेंगे अ यूनियन, और वाई जिसे हम ईयर पढ़ते हैं यहां पर भी हम बोलेंगे अ ईयर, राइट। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि डैश एच ओ यू आर यहां पे ए आएगा या एन आएगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं।